नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। प्रधानमंत्री आवास बनवावे खातिर आपन अपने के खून बहाय दिहिन। गढ़ थाना के रहे वाले मुनीलाल साकेत के ऊपर उन्हीं के सग भाई गोविंद साकेत और दशरथ साकेत हमला कर दिहिन। शोर शराबा सुन के उनकर पत्नी रामकली पहुंची, जिन्हू का घायल कर दिन गा। उपचार खातिर अस्पताल पहुंचावागा, जहां इलाज के समय युवक के मौत हो गए। वहीं पुलिस दोनों आरोपी का गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। तुम्हारा नाम का है? पति के यह घटना कैसन भे तुम्हारे साथ? थाने बंद करे रहा जगह तो पलान बंद आ रहे मारे कहीं मारा बोलता मनगवा तहसील के त्यूनी विद्युत सब स्टेशन माही भीषण आग लग गए। आगे का बुझावे के इंतजाम न हुए से वहां के लोग 1 किलोमीटर दूरी से पानी ढोए के आगे बुझावे के जतन करें। जोने जगह आगे लगी ओके नियरे लोगन के घर हम। घटना के जानकारी मनगवा पुलिस और दमकल का दीन गए। कईक बेर यमेर के आगजनी के घटना हो चुकी है भाई, एक के बाद प्रशासन के नींद नहीं खुलन ला गया। आग कैसे बुझाई जाए? अब बाल्टी में पानी दूर से 1 किलोमीटर से लेके आने पे आग कैसे बुझेगी? ये आग का हाल है त्यूनी सब स्टेशन। कई बार कहा गया कि मोटर पंप बनवा। गर्मी के उतई जहां शहर से लेके गांव तक पानी के किल्लत मची रहा थी वह, तो वह रीवा के निपनिया मोहल्ला में कई दिन से मीठा पानी सड़कन में बहतला हवे। वहाँ के रहे वाले के मानी तक कईक बेर एखर शिकायत कीन गए और बनबई वाले घलाए पहुंचे, पर पानी का बहाय से रोक नहीं पाई। बतावा जात हबे कि नाली बनावे वाली कंपनी मीठा पानी के पाइप का तोड़ दी नहीं, जिसके कारण हजारन गैलन पानी बहत लाग हबे। बहुत चलाते हैं यहाँ का यहाँ का के दोनों पे बहुत चलाने के लिए पूरा पिघला जाता कहाँ ऊपर नमस्कार है और भटवाद है बोलो सही है नहीं तो कल भग भुक नहीं करत रहा कल तो शाम के चालू था भारत उनके सामने नहीं चालू ये फोर्स के कारण फोर्स के कारण लीक कर गया। शुक्रवार दोपहर के 3 बजे बैंक कॉलोनी के रहने वाले तारा चंद रोहड़ा अपने पत्नी के इलाज खातिर अस्पताल गए रहे। जौने समय वो दवाई खातिर लाइन में लगे रहे, वहीं समय युवक उनके जेबा से 30,000 रुपया पार कर दिन। आनन फानन माही फरियादी सिटी कोतवाली थाने पहुंचे, जहां शिकायत दर्ज कराए के बाद कोतवाली पुलिस उनके संगे आई और जाँच पड़ताल करी। अकाउंट से 30,000 रुपये निकाले, 500-500 के नोट वहाँ से हमें 60 मिली है ना। वहाँ से मैसेज आ गया, मुझे भी मेरी पत्नी को भी यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना था, यहाँ लाइन पे आए, लाइन लगी हुई थी, डॉक्टर उस समय नहीं बैठे थे, थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए बैठे और मैं लाइन पे थी, मेरे पीछे लग गई और वो जाके फिर उधर लाइन में खड़ा हुआ और फिर चला गया। तो इसी दरमियान लगता है मेरे यहाँ जेब में जो पैसे पड़े थे सीधे सतना माही मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के बैनर तले 17 सूत्री मांगन कलय के 10 मार्च से चले वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल में आखिरकार प्रधानमंत्री से मिले के आश्वासन के बाद रुकी गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष योगेश ताम्रकार कार्यकर्तन का भरोसा दिलाइन के उनकर मांग पूरी करे खातिर प्रदेश भाजपा संगठन मुख्यमंत्री से बात करी। जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी 28 दिन तक शांतिपूर्ण हड़ताल के सराहिन, जहां भाजपा नेत्री ममता पांडे कहिन के कार्यकर्ता और सहायिकन के बढ़ा मानदेय जल्द दिन मिली। इस दौरान कार्यकर्ता और सहायिका एसडीएम राजेश यादव का हड़ताल स्थगन के ज्ञापन दिहिन। उन्हें हड़ताल खत्म होए के बाद महिला बाल विकास विभाग राहत के सांस लिहिन। सही जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास माननीय अन्य हमारे जो अधिकारी है वहाँ तक पहुँच जाएगी और निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि आपकी जितनी भी मांगे पूरी हो जाती है, उसके अलावा जो बचेंगे उसमें हम सब आपके साथ हैं। अंदर से कंधे में आए हैं मंत्री हम से मिल के आए हैं और हमारे मुख्यमंत्री के काम में खबर है और पहले का तौर पर हम रखे थे, हम पहले करेंगे कि रोबर ठीक आए, लेकिन पहले का जब तक हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माना थे उत्तर कोरो प्रदेश के कोरो मुख्यमंत्री नहीं माने,
मऊगंज उप पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र शर्मा के स्थानांतरण के विदाई समारोह मिडवे कैफे में आयोजित भा। इस साधारण समारोह का एमसीसी के वरिष्ठ खिलाड़ी और पत्रकार आयोजित करें। इस मौका में ही अपर जिला सत्र न्यायाधीश मऊगंज कपिल नारायण भारद्वाज, मऊगंज थाना प्रभारी श्वेता मौर्य, हनुमाना थाना प्रभारी शैल यादव घलाए रहे। निवर्तमान SDOP कहीन के मऊगंज से उनका खास लगाव हवे। एक साथ ही कहीन के सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति, टीम के भावना से काम करा। जो पुलिस और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ जो हम लोगों का क्रिकेट चला, इससे पूर्व जब डावर सर थे उन्हीं के मार्गदर्शन में स्टार्ट हुआ था और फिर SDOP साहब ने उसको कंटिन्यू रखा। और इसको लेकर के एक पॉजिटिव चीज़ ये रही कि हम लोगों ने यहाँ के अच्छे अच्छे बड़े बड़े लाइन ऑर्डर्स भी बड़ी आसानी और जून 2021 से शाहपुर में पोस्टिंग थी, तभी से सर का साथ मेरे साथ में था। उसके बाद में बीच में थोड़ा गैप भी हो गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सर के उत्साहवर्धन के कारण ही मैं मऊगंज आई। और मऊगंज में मैंने जो भी काम किया सर के निर्देशन में किया। यहाँ जितने भी गंभीर मामले आए, लॉ एंड ऑर्डर आया, उन सब में सर ने मेरा पूरा मदद किया। सर के जाने का दुख तो सबसे ज़्यादा मुझे को है, क्योंकि अब सर के पहले तो डाबर सर चले गए थे, उसके बाद में ये था कि सर जब तक हैं तब तक मैं यहाँ पर उनके निर्देशन में अच्छा काम करूँगी। तो इस कारण से ये कि सर के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ मैं, कि वो भी अपने परिवार के साथ में रहे। और अब खबर सिगरौली जिला के बिंधनगर से हवे, जहां के थाना गहिगढ़ में ही द्विपक्षन में विवाद में डंडा और पथरा जम के चले। मारपीट में ही घरे के महिलाओं पथरा चलाई, जिनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा हवे। सल के मामला के जानकारी बिंधनगर पुलिस का घलाई मिली है, जहां पुलिस मामला के जांच में जुटी हवे। ये घटना में ही एक पक्ष के 3 जने घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चलतला हवे। खबर सीधी से हवे, जहाँ पत्रकार कनिष्ठ तिवारी और उनके साथी के खिलाफ दर्ज मामला में ही कनिष्ठ तिवारी अब फेसबुक में अपील कई के मदद मांगे। जिसके बाद सिंगरौली कांग्रेस के नेता रुपेश चंद पांडे, प्रवीण सिंह सूर्या और उनके साथ सैकड़न कांग्रेसी सिंगरौली कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कई के मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम कलेक्टर का ज्ञापन दे नहीं भय। जिले में चौथे स्तंभ मीडिया साथियों के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ ज्ञापन। महोदय, जैसा कि विदित है, पिछले दिनों सीधी जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा देश के चौथे स्तंभ मीडिया साथियों के कपड़े उतरवा कर उनके फोटो वायरल किए गए, जो बिल्कुल अमर्यादित व्यवहार है। मेरा नाम कनिष्क तिवारी है। आज पूरी दिन मुझे दिल्ली, भोपाल, हर जगह के मीडिया कर्मियों का फोन आया है। मेरे द्वारा सभी सच्ची घटना उनसे अवगत कराई गई है, बताई गई है, किंतु मेरे को और मेरे परिवार को लगातार धमकी मिल रही है। और ये कहा जा रहा है कि बेवजह फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, तुम लोगों के ऊपर हमला करवा देंगे, और कुछ पूरा परिवार हमारा डरा हुआ है। कृपा करके सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। और साथ में मुझे ये पुलिस के एक सूत्र के द्वारा बताया गया है कि तुम्हारे ऊपर भी फर्जी FIR जो है लॉन्च पुलिस करने की तैयारी कर रही है, जिससे मतलब मुझे गिरफ्तार किया जा सके। और ये पूरी तरह से फर्जी षड्यंत्र किया जा रहा है। आज के बुलेटिन में इतने। बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।